छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है और बीते 9 महीने में ही केंद्र सरकार ने सड़क, रेलवे, पीएम आवास, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ढेरों सौगातें दी हैं। सबसे बड़ी बात, मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त करने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया। नौ महीने में केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए 25,000 करोड़ की सौगात दी। प्रदेश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,000 करोड़ की सौगात। जुलाई में राज्य के 18 सड़क परियोजना के लिए 3,289 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। केंद्र से 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मंजूर, पहले किश्त हितग्राहियों को जारी। छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए केंद्रीय बजट में 6,896 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। रायपुर से विशाखापट्टनम वंदे भारत शुरू की गई। अब तक प्रदेश के 341 स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया गया। जून में छत्तीसगढ़ को 2024-25 की 4,761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि मिली। डबल इंजन की सरकार का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही मिलने लगा था। शायद सरकार ने कम समय में ही कई बड़ी मोदी की गारंटी को पूरा किया है। वहीं सरकार अब केंद्र सरकार के सहयोग से सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत अन्य क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के अथक प्रयास से संभव हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो भी जरूरतें हैं वे सभी पूरी की जाएंगी। छत्तीसगढ़ वासियों को जो इतनी बड़ी सौगात दी है उनके अथक प्रयास से ही संभव हो सका है और लगातार सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे लोगों तक पहुंचे। इधर कांग्रेस ने डबल इंजन की सरकार को पटरी से उतरने की बातें कही हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही हैं। प्रदेश में कोई नया काम नहीं हो रहा, पूर्व सरकार ने जो काम शुरू किए थे वही काम हो रहे हैं। डबल इंजन की फायदा क्या छत्तीसगढ़ को मिल रहा है बता दी सरकार। ये डबल इंजन पूरी ट्रेनें बंद हो रही है, गांव में पैसा है नहीं, ना सड़क बन रहे, ना पुल पुलिया बन रहे, ना कोई निर्माण काम हो रहा है, ना पेंशन का पैसा, पेंशन नहीं मिल पा रहा है, ना ही आवास मिल पा रहा है, ना वही कोई काम हो रहा है। गांव में देखेंगे तो पूरी तरह से योजनाएं टप पड़ी हुई है और जो भी अभी काम चालू है वो वर्तमान जो पिछले सरकार कांग्रेस सरकार की उस समय की पैसा है, उस समय के काम आज भी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चहुओर विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की सबसे बड़ी नक्सली समस्या को मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का और बस्तर के नक्सल क्षेत्रों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया है। देखना होगा डबल इंजन की सरकार नक्सल समस्या को खत्म करने में कितनी सफल हो पाती है। स्वप्निल गौर खेड़े, INS 24/7, रायपुर।